नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन। अनुभवी स्पिनर आर अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में अब जगह दे दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को पहले 2 वनडे मैच में आराम दिया गया। पहले 2 वनडे मैचों में केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। वहीं बात करें अगर आर अश्विन की, तो अश्विन ने अपना अंतिम वनडे मैच साल 2022 जनवरी में अफ्रीका टीम के खिलाफ खेला था। अगर अक्षर पटेल आईसीसी द्वारा तय की गई 28 सितंबर की समय सीमा तक फिट नहीं हो पाते, तो फिर आर अश्विन को विश्व कप के लिए टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि अक्षर श्रीलंका में खेले गए एशिया कप के दौरान चोटिल हो गए थे, इसी कारण वे श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में नहीं खेल पाए। वहीं अक्षर की जगह लिए गए वॉशिंगटन सुंदर को भी 3 मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया और वह विश्व कप के लिए अन्य विकल्प हो सकते हैं। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में सभी प्रमुख खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा है कि अगर अक्षर सही समय तक फिट नहीं हो पाते तो आर अश्विन या फिर वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर कप्तान रोहित शर्मा का ये कहना है कि अश्विन को कुछ साबित नहीं करना है और उन्हें जरूरत पड़ने पर टीम में शामिल किया जाएगा। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं विश्व कप में टीम इंडिया को अपना पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई के मैदान पर खेलना है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।